मीटिंग एजुकेशन इज नॉट ओनली द फाउंडेशन अपॉन विच अवर सिविलाइजेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आप सभी का क्वेश्चन आ रहा था कि सर NIOSTLET को लेकर आखिरकार जो है प्राइम मिनिस्टर से लेकर एजुकेशन मिनिस्टर तक क्यों से चुप हैं, क्योंकि यहां पर बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा था कि जब प्रमोट किया गया NIOSTLET को लेकर तो अब क्या प्रतिक्रिया आ रही है। ठीक है, तो पहली बार क्या अपडेट आया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनाएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहना, एक एक प्रोसेस को हम दिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि NIOSTLET को लेकर जो है अब बेसिकली जो अभ्यर्थियों की मांग थी वो थी दोस्तों कि राजपत्र में गजट में संशोधन किया जाए। ठीक है, इसी को लेकर अभ्यर्थी मांग कर रहे थे और उनका क्वेश्चन आ रहा था कि सर जो है राजपत्र में क्या संशोधन होगा। ठीक है, और काफी कुछ क्वेश्चन आ रहा था कि इस पर दोस्तों जो हमने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा था, जो प्राइम मिनिस्टर से हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा था, उसका क्या हुआ। ठीक है, तो उसी को लेकर दोस्तों यहां पर जो चर्चाएं चल रही हैं कि आप लोगों का, ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा सपोर्ट रहे हैं एजुकेशन के सिस्टम में। ठीक है, एजुकेशन के सपोर्ट में हमेशा रहे हैं। और दूसरी बात दोस्तों यहां पर यह बताना चाहता हूं कि जो NIOSTLET को प्रचार प्रसार किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने, बहुत जोर शोर से किया था कि हां भैया आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे आइए और अपना योगदान दीजिए। ठीक है, और एक काम कहूंगा कि आप लोग वीडियो को पहला नंबर लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि लगातार मैं आपको पल पल के अपडेट दे रहा हूं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि NIOSTLET के कोई सपोर्ट में है तो वह प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू है। ठीक है, तो इसको लेकर दोस्तों यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि इस पर हम विचार करेंगे और जो भी NIOSTLET के पक्ष में होगा दोस्तों उन चीजों को हम करेंगे। ठीक है, तो आपको आने वाले एक से दो दिनों के अंदर राहत देखने को मिल सकती है। जो भी अपडेट होगा हम अपने चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोज को नोटिफिकेशन आप तक समय तक पहुंचता रहे।